हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में आपको ये बताया गया है कि जो विज्ञापन संख्या 15/2023 और 16/2023 जो था, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका झारखंड इंटरमीडिएट स्तर तक का जो भी संयुक्त परीक्षा होने वाली थी, ठीक है, किसी कारणवश मतलब उस समय फॉर्म वगैरह का नहीं भरा पाया था या कुछ कारण हुआ था जो स्थगित करना पड़ा था। देखिए, फिर से आया कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर ज्ञान यानी कंप्यूटर नॉलेज, जो कंप्यूटर आप जानते हैं, कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित ये नोटिफिकेशन है। इसमें क्या बोला गया है, झारखंड इंटरमीडिएट देख रहे हैं, वहीं तक है आपका, इसे अंतर्गत आवेदन समर्पित करने के विभिन्न स्तर हेतु तो पूर्व में तिथि प्रकाशित की गई है, जिसे न्यूनतम संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो पूर्व निर्धारित तिथि देखिए ये था, संशोधित तिथि ये है। तो आप इसमें इस जो संशोधित तिथि है, आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भरें। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु क्या था दिनांक, पहले क्या था मतलब 20 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक था, जो अब क्या है 7 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024 तक आप इतना तारीख तक अपडेट आप भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। तो पहला ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, परीक्षा शुल्क भुगतान करने हेतु पहले क्या था, 22 नवंबर 2023 तक अपना शुल्क परीक्षा शुल्क जमा करने का, ड्राफ्ट से बोलिए, ऑनलाइन बोलिए या बैंक चालान से बोलिए, जो भी था, ठीक है। अब क्या हुआ, 13/8 2024 तक आप अपना जो शुल्क होगा उसका भुगतान कर सकते हैं। साथ ही साथ फोटो एवं हस्ताक्षर आवेदन 25/11/2023 था, जो 16/8/2024 हो गया, 16/8/2024 हो गया है। अब क्या है, किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि में को संशोधित करने के लिए, मान के चलिए आपका नाम में स्पेलिंग गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ में, तो इस तरीके से जो भी आपका क्या उसे बोलते हैं, मतलब जो गलती हो जाता है उसको सुधारने के लिए देखिए 27 से लेके 29 यानी आपका 27, 28, 29 तीन दिन दिया गया था आपका नवंबर में, वो आपको यहाँ पे भी तीन दिन दिया गया है, 18 अगस्त से लेके 20 अगस्त 2024 तक दिया गया आपको, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड, अब इससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है या कंप्यूटर के लिए झारखंड आपका गुरुकुल विजन एकेडमी की तरफ से आप तक पहुँचाया जाएगा, आप इसको देखें। और अपना इसका भी एग्जाम आपका सितंबर से अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, अब आप लोग इतना जान लीजिए कि इसका रिजल्ट भी आपको 15 अक्टूबर से पहले मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। अब इस सरकार का ये एजेंडा है कि जितना जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज को क्लियर करें। तो फ्रेंड, आप लोग लगे, और साथ ही साथ ये कंप्यूटर से जो भी नॉलेज है आपको गुरुकुल विजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। गुरुकुल विजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे सर आपको जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो जानकारी होगी, जो एग्जाम में पूछने वाला, उसके बारे में बताया जाएगा फ्रेंड। तो चलिए, आप लोग देखिए फ्रेंड, ये आप लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इसमें जिनका भी अर्हता है आप लोग फॉर्म भरिए, इससे विस्तृत जो कुछ भी रिलेटेड आपका जानकारी होगा जल्दी आपको गुरुकुल विजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, हो जाओ तैयार।